आज मैं आप लोगों को अपने गांव की सैर कराता हूँ, आइए मेरे साथ। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि सारे पेड़ हमारे गांव वासियों द्वारा लगाए गए हैं, इनसे हमें बहुत सारी ऑक्सीजन प्रदान होगी, जिससे हमें कभी भी ऑक्सीजन की कमी हमारे गाँव में होती ही नहीं है। और अमरूद का और मेरी आप सभी लोग से विनती है कि आप लोग भी इस तरह के और हरे भरे पेड़ लगाएं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे गांव में कुआं भी खोदा जा रहा है, जिससे कभी पानी की कमी ना पड़े। काम अभी चल नहीं रहा है क्योंकि सब लोग खाना खाने गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम पहुंचने वाले हैं अपने आम वाले बाग की तरफ। आप लोग को जैसे दिख रहा होगा यहाँ से, खेत जाने से पहले मैं आपको एक अनमोल चीज दिखाना चाहूँगा। ये है हमारी बांस कोठी, यहाँ पर हमने कई बांस बोए हैं। ये बहुत वर्षों पहले हमारे पर ज्यादा लोग बोकर गए थे, इससे हमें बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती है। तो मेरी आप सभी से एक विनती है, जितनी ज्यादा हो सके, जितनी आपके घर में जितनी भी छोटी मोटी जितनी जगह हो, उसमें ये बांस कोठी जरूर बोए। क्यों? क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। जैसा तो आप सब लोग देख ही सकते हैं कि मैं अपने खेत तक पहुंच चुका हूँ। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे खेत के बिल्कुल बगल में एक तालाब भी है, सरकारी तालाब है। जब पानी बढ़ता है तो इसमें सरकारी भजन है, और इससे हमारे खेतों को बहुत लाभ मिलता है। हम लोग इससे पानी लेकर सरकार सरकार में हमारे खेत में सिंचाई। आप लोग जैसा देख सकते हैं कि अभी हमारे खेत में कुछ भी नहीं बोया गया है, अभी खाली पड़ा है। अभी कुछ दिन बाद कुछ बोया जाएगा। Yeah.
गांव के मित्र हैं, इनका नाम है उसके भैया, इनका नाम है, क्या नाम है आपको बताइए भाई, क्या नाम इनका, क्या नाम है आपका, ये दोनों मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अब आप जैसा मैं आपको दिखाऊंगा दोनों मेरे लिए कैसे एक आम तोड़ के दिखाएंगे, आइए बंदरों के बस का है, बंदर आते हैं खा के चले जाते हैं नीचे नीचे वाले, तभी हम नीचे जाता नहीं। और मैं तोड़ लाया, ये रख दिया। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, नमस्कार। अब आप अभी से कहते हैं कि आप हमारे गाँव जरूर घूमने आइएगा।